मैं तो महीने च दो गेड़े रख ले हूं दिल्ली जाके, मंत्री मेरे दोस्त मित्र ने सारे मेरे नाल एमपी रहे ने, सही काम दस दो ना नू कि साडा हक बनता जी पंजाब दा, कोई भीख थोड़ी मंग रहे हैं, आ हक है साडा, लियाओ जी 1760 करोड़ रुपया आया ते ब्याज दा जिहड़ा आपां फसलां दा थोनू पैसा दिंदे आ क्रैडिट लिमिट उते ब्याज जिहड़ा 1% घटा लिया उहदे नाल 700 करोड़ रुपया उहदे नाल बच गया 2500-2600 करोड़ रुपया पंजाब दा उत्थे ऐ पिया सी खल्लां खूंजियां चों भाल भाल के लियांदा ते हुण उह थोड़े ते लगूगा। तुहाडियां सड़कां 18 फुटियां, तुहाडियां मंडियां बिल्कुल अपग्रेड होणगियां, मंडी च कोई किसान रुलूगा नहीं, वाटर कूलर बैठण नूं थां, बाथरूम सब कुछ। झोने की फसल आनी है उहदी हुणी प्लैनिंग कर ली, 1 अक्तूबर तो लगभग 1 अक्तूबर तो शुरू होंदी है खरीद। यह प्लैनिंग कदों करते हैं जो रौला पै जाता, जो बारदाना मुक जाता, ट्रकां का रौला पै जाता, लेबर का रौला पै जाता, आड़ती रौला पै जाता, फिर कहते हैं हुण की करिए। असी पहले ही कर लिया प्रबंध, असी छोटे शैलर वाले भी उत्साहित करांगे ताकि कल्ले बड़े ही ना खरीद जान, असी लिमिट बनाती। ते अपने बाहरों आ जाता जी झोना, यूपी तो सस्ता खरीद के इत्थे लिया के बेच देंदे है MSP ते, उत्तराखंड तो यूपी तो हरियाणे तो आ जाता सस्ता, बिहार चो खरीद के इत्थे ले आउंदे सी इलीगल, वो अपने वाली तुलदी नहीं सी शैलर भर जाते, तरीका भालिया डिजिटल। जदों ट्रक चलूगा मंडी चो, ट्रक ते GPS सिस्टम लग्या होगा, मंडी दे गेट ते ट्रक दी फोटो होगी, वो GPS दा टाइम ते फोटो दा टाइम एक होना चाहिए ता उनू शैलर दे गेट ते एंट्री मिलूगी, नहीं शैलर दे गेट ते खड़ा रहूगी दा मतलब साडा ट्रक नहीं है। ये पॉलिसियां बनाई ने जी, जे किसी नू मिल वाले नू 4 टन की कपैसिटी है, कहने 4 टन की मिलिंग करनी है चौल बनाना, सानू यह पता है कि 1 टन की मिलिंग करने वास्ते किन्ने यूनिट खर्च होंदे ने बिजली दे, उहदे मीटर नू बिजली बोर्ड नाल जोड़ता 4 टन आ गई, इहदा मतलब इन्नियां यूनिटां खपत करूगा, जे उहदा मीटर वध यूनिटां दिखा रहा इहदा मतलब उहने इधरों उधरों कितों लियांदा है, उस शैलर नू असीं ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। फिर यह गल केंद्र सरकार ने भी तारीफ की, कहिंदे असीं सारे मुल्क च लागू करांगे, मैं कहा जी कर लो, जे तुसीं साडे तों सीख सकते हो सीख लो, सीखण दा की है, जे सानूं कोई झारखंड तों कोई वधिया पॉलिसी मिलती है लै लांगे, पर साडा किसान जिहड़ा उहनूं खज्जल खुआरी नहीं होनी चाहिए, बस आउण सार तुल जे पैसे आ जाण घरें। मैं तो आप जाता रहा मंडी च, कदे दादे की रोटी लैके, कदे डैडी, कदे आप भी बहिंदे रहे, दिवाली तो कदे घरें मनाई ही नहीं, तुसीं दस दो मंडी च होंदी है दिवाली, उदों उदों झोना फसिया पिया हुंदा उत्थे, अज बोली आई सी जी 4 ढेरियां लगियां ने, हजे बोली आई नहीं जी, 5 दिन हो गए खड़े रहने बोलियां डीकदे, पुत्तां वांगू पाली हुई फसल है। सो इस करके मजदूरां वास्ते स्पैशली एक झार माफिया बन गया सी वीरो, झार माफिया, यह भी देता किसी नूं जिहड़ा झार गरीब लैंदे आ ना भी चलो बच गई, जिहड़ा वह जिमीदार कहिंदा चल 300 रुपया दे दे मैनूं, ओनू वह बेचारे ओनू कुट के फूस नू अड करके बिचों दाने कढ लैंदे सी, 300 तो वध हो गए उन्हां दा फायदा नहीं, तां उन्हां दे भी टेंडर करते सी, उहदे च भी आ गए सी इन्हां दे चाचे तीआं मामियां दे पुत कि झार असी लवांगे इस मंडी दा, वह गरीब बेचारे उसे उस करके रोटी खांदे, 6 महीने बाद फसल आउंदी है, असी ऑर्डर करता
कोई बंदा टेंडर नहीं लूगा। झार जिहड़ा कोई भी गरीब खरीद सकता है, अपने दाने कढ़े उस चों अपना कबीलदारी चुल्हा चलावे, पर एक शर्त है बाद च उत्थे सफाई कर जे, ऐं ना छड के जावे, बस असी वो झार माफी ही खत्म करता। तुसी शर्त ला लो इदू पहलां वालियां नूं, चाहे सुखबीर नूं चाहे कैप्टन नूं, तुसी पुछ के देखो झार की हुंदा है, पता ही नहीं उन्हां नूं, उन्हां दा कुछ नहीं पता। उन्होंने तो यह लगता है भी लाल आप हरिया मिर्चा क्यों बीजते हैं, जो अपने सस्तियां बिजदियां बिकदियां ने, सीधिया लाल क्यों नहीं बीजते, तो ऐ कहते हैं। फिर उतो की उम्मीद कर लोगे, जो डॉक्टर बीमारी का नहीं पता